आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो है कम्प्लीटली देश के सैटेलाइट के मुतल्लिक कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा, और हम 120 सैटेलाइट जो है वो अपने चैनल के थ्रू सेट करेंगे। ये मेरे चैनल पे मैंने वैसे ये आपको मोबाइल की एप्स और मोबाइल के भी हिडन फीचर के बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा, लेकिन मेन जो मैंने आपसे कहा था कि उसके ये दोनों मैंने मिक्स चैनल किया है कि इस चैनल पे आपको टोटली इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेक्नोलॉजी की, और डिश की टोटली जो है A to Z जो है सैटेलाइट हम चलाएंगे और प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे। बहुत दफा ऐसा होता है बहुत से लोग जो है वो सारा सारा दिन या चार चार दिन एक से एक सैटेलाइट पे लगे रहते हैं, उनसे ठीक नहीं होता तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत इजीली मैं आपको 120 सैटेलाइट 130 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक आपको ठीक कर कंप्लीटली इनमें जिनमें जो है जितने भी सैटेलाइट आते हैं तकरीबन 120 के करीब, वो हम टोटली उनको सेट करेंगे, और उसके बाद हम उनके टोटली जो स्क्रैम्बल चैनल हैं उनको फ्री में डिकोड करके मैं आपको चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले हम बेसिक सीखेंगे, हर जो कोई किसी भी सैटेलाइट को ठीक करने के लिए कुछ चीजें बेसिक होती हैं वो पहले हम सीख लें, उसके बाद हम फिर सैटेलाइट ठीक करना शुरू कर देंगे। मैं जो भी सैटेलाइट ठीक करना होगा यहाँ पे थोड़े बहुत बेसिक किया करेंगे, इसके बाद छत पे जाकर उसे सेट किया करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आके सैटेलाइट पे और सॉरी LCD और जो है LED वहां पे मैं आपको जो चैनल है वो स्क्रैम्बल चैनल है वो फ्री में डिकोड करके दिखाया करूंगा। जिन जिन सैटेलाइट पे बिस्की लगती है, जिन जिन पे पावर व्यू लगता है, वो सब जो है हम सीखेंगे टोटली। तो सैटेलाइट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं इस चैनल पे अपने पे आपको देता रहूंगा, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों से शेयर करें ताकि हम जो मजीद है अपना काम जल्दी से शुरू कर सके, और फिर जो है मुझे भी पता चले कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कोई लोग मुझे मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस चैनल पे मैं अपने पे टोटली जो है मोबाइल की न्यू एप्स और सैटेलाइट की और न्यू टेक्नोलॉजी और मोबाइल की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो ये इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है कि ये जो है सारा जो है हम A to Z इसमें क्लियर करें। तो प्लीज 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 सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है आज हम ये सीखेंगे किसी भी सैटेलाइट को। मैं आपको बताता हूँ कि हम जो बेसिक हैं जो कोई भी हमें सैटेलाइट ठीक करना है उसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें उसकी बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी सैटेलाइट ठीक करना है सबकी बेसिक एक ही है। सिर्फ हम ये कन्फर्म करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने अपने जहन में रखनी है और किन किन चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि आप को जो है इनमें पहला टॉपिक है जो बेसिक है उनमें है डिश एंड डिश साइज, और दूसरा है LNB एंड LNB टाइप्स, और तीसरा है सेट टॉप बॉक्स एंड उसकी टाइप्स, और तीसरा है कि तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इस चैनल के थ्रू आपको मोबाइल की एप्स के बारे में टोटली न्यू एप्स और जो बहुत सारी हिडन एप्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते वो भी मैं उसके बारे में भी वीडियोस जो है स्क्रीन रिकॉर्ड इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, और सैटेलाइट की जो है वो मैं कैमरे के सामने आपको हर चीज बेसिक जो है वो ठीक करके दिखाया करूंगा, और फ्री में डिकोड चैनल जो है वो डिकोड करके दिखाया करूंगा। 120 सैटेलाइट हैं जो हमने ठीक करने हैं, काफी लंबा पीरियड है लेकिन कोई बात नहीं, मैं टोटली जो है वो सैटेलाइट जो है वो ठीक करके यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, और मैं आई विल गारंटी यू कि अगर आप मेरी वीडियोस के थ्रू चलेंगे तो आप एशिया में किसी जगह पे भी रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप बांग्लादेश में रहते हो, एशिया में आप किसी जगह पे भी रहते हो, तो मेरी वीडियोस के थ्रू आप टोटली जो है डिश को मुकम्मल ठीक कर लोगे। आपको किसी को भी डिश फिटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही इजीली कर लोगे। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो फ्रेंड्स मेरे साथ रहें, और कोई बात नहीं मुझे बर्दाश्त करें थोड़ी देर। तो आज हम सीखते हैं कि ये क्या है। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि डिश एंड डिश साइज डिश कितनी टाइप्स की होती हैं और उनका साइज क्या होता है। हर सैटेलाइट के लिए डिश साइज का जो है वो बड़ा अमल दखल होता है, उसके लिए डिश साइज बहुत जरूरी होता है और उसकी टाइप भी बहुत जरूरी होती है। तो मोस्टली बहुत ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो KU बैंड पे हैं और बहुत C बैंड पे भी हैं, तो आज हम ये दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि डिश साइज और डिश के बारे में। तो
तो फ्रेंड्स सिंपली ये मैंने पहले से ही कुछ किया हुआ है। तो डिश दो टाइप्स की होती है, एक सी बैंड की और एक के यू बैंड की। जो सी बैंड की डिश होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, उसमें बैंड होता है और वो सामने से ऐसे और इसमें ये बैंड होता है। और ये जो के यू बैंड की डिश होती है वो बिल्कुल एक प्लेट मार सीधी सी होती है। तो कोई भी सेटेलाइट जब हम अपने उसको सेट करते हैं तो सबसे पहले उसका पहला मेथड ये है किसी भी सेटेलाइट को ठीक करने का, डिश का। तो जिस डिश को भी आप खरीद रहे हो या जिस डिश को भी आप सेट कर रहे हो उसका फोकस ठीक होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने एग्जांपल दिया है कि मतलब आप NSSX से 95 डिग्री ठीक करना चाहते हो, तो उस पे जो है ये सेटेलाइट यहाँ पे पड़ा है। तो ये सैटेलाइट की जो रेडियो वेव्स जो हैं ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके हमारे LNB पे पड़ेंगी तो हमारा सैटेलाइट ठीक होगा, अदरवाइज हमारा सैटेलाइट जो है उसके हम सिग्नल जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारी डिशेज ऐसी होती हैं कि जिनका फोकस ठीक नहीं होता और वो हम लगे रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो बहुत हमें टाइम लग जाता है या फिर बहुत दिन भी लग जाते हैं, तब भी वो सेटेलाइट ठीक नहीं होता। तो ये मेन चीज आपने अपने जहन में बिठा ली, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी डिश जो आपने सेटेलाइट ठीक करना या कोई भी डिश आपने बाय करनी हो तो मेन चीज जो उसमें होती है वो होता है उसका फोकस। तो फोकस कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, फोकस क्या होता है। तो ये देखें, अब ये जो सिग्नल्स हैं ये डिश पे पड़ रहे हैं, ठीक है। जो रेडियो वेव्स जो हैं वो डिश पे पड़ रही हैं। आपकी डिश जो है मतलब कह लें कि सैटेलाइट यहाँ पे है तो यहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं रेडियो रेडियो वेव्स के थ्रू, तो आपका डिश जो है वो उनको रिफ्लेक्ट करके उसका मेन फोकस जो है सेंटर में है उनको कन्वर्ट सॉरी रिफ्लेक्ट करके आपके LNB पे डालता है तो सैटेलाइट फाइंड जो है वो फाइंड आउट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अगर हमारा फोकस यहाँ पे डिश का बन रहा हो मतलब हमने जो है LNB यहाँ पे सेंटर में रॉड के थ्रू यहाँ पे लगाई हुई है, सेंटर यहाँ पे बन रहा है हमारी डिश का और उसका फोकस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है जी। तो क्या होगा कि सैटेलाइट के सिग्नल्स तो आ रहे हैं लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके फोकस कहीं और निकाल रहे हैं और हमने LNB जो है वो सेंटर में लगाया हुआ है। तो ऐसा जो होता है वो उन डिशेज में होता है जिनका फोकस ठीक नहीं होता। बहुत सारे उनपे सेटेलाइट चल भी जाते हैं और बाज़ूकात जो है बहुत सारे नहीं भी चलते, जिनका फोकस ठीक नहीं होता कुछ चंद उनपे चल जाते हैं, लेकिन जिनका फोकस ठीक होता है वो एग्जैक्टली चलते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे सिग्नल पड़े यहाँ पे पड़े यहाँ पे डिश पे किसी जगह पे भी सिग्नल ने डिश को पे लगे तो उन्होंने रिफ्लेक्ट करके उसको सेंटर में निकाला, उन सिग्नल्स को सेंटर में निकाल दिया तो वो सेंटर से रिफ्लेक्ट होके आपके LNB पे पड़ेंगे तो आपका जो जो है सैटेलाइट है वो फाइंड आउट हो जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि जो सी बैंड की डिश होती है इसमें बैंड होता है और ये डिश जो है ये बड़ी होती है। ये हर सैटेलाइट जो सी बैंड का होता है उस पर सी बैंड की डिश लगेगी क्योंकि उस पर LNB सी बैंड का लगेगा, तो इसलिए जो है वो आपको उस पे डिश भी और जो LNB है सी बैंड पे लगेगी। बहुत दफा ऐसा भी होता है इसका अगर फोकस ठीक होगा उसकी जो रेडियो वेव्स आ रही हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वर्टेक्स पॉइंट से जो है रिफ्लेक्ट होके आपके LNB पे पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स यहाँ से टकरा कर ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट होके आपके LNB पे पड़ेंगी तो आपका सेटेलाइट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा अगर ये सब चीजें ठीक हो। तो आज हमारी बेसिक है कि डिश जो है वो सी बैंड की और के यू बैंड की इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सी बैंड डिश एंड के यू बैंड डिश। तो के यू बैंड जो है वो बैंड वाली होती है, उसमें जो है फोकस उस पे सी बैंड का जो बड़ा LNB लगता है और जो के यू बैंड की वो सीधी होती है प्लेट नुमा और उसका फोकस भी सेंटर में निकलता है। उस पे के यू बैंड के सेटेलाइट चलते हैं और यहाँ इस डिश पे सी बैंड के सेटेलाइट चलते हैं। तो इस डिश पे मोस्टली ज्यादा ये जो है डिश ये बाज़ुकात मौसम खराब हो जाता है, बारिश आती है या कोई हवा का ऐसा होता है तो इस डिश पे अगर आप कोई भी सैटेलाइट मतलब सी बैंड का ठीक करते हो तो अगर वो थोड़ी सी डिश हिल भी जाती है तो आपके सिग्नल्स नहीं जाएंगे, लेकिन के यू बैंड के जो है अगर थोड़ा सा भी आपकी डिश हिल जाती है तो आपके सिग्नल्स जो हैं वो चले जाते हैं और आपकी डिश जो है वो फिर आपके चैनल्स जो हैं वो नहीं चलते या फिर रुक रुक के चलते हैं।
तो ये पहले 1980 में ये जो पहला मेथड था, तो ये तब डिश साइज बहुत बड़े बड़े होते थे, तो सी बैंड्स की जो डिश थी वो पहले आती थी, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने उनको उनका जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया, उनको KU बैंड अपने सेटेलाइट्स के बैंड चेंज कर दिए, उनको छोटी जो है डिश पे रिसीव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये बड़ी डिशेस जो होती थी वो सी बैंड की होती थी, तो जो छोटी डिशेज हैं अब ये जो है छोटी भी हैं बड़ी भी हैं इनमें, तो ये KU बैंड की है, तो उन्होंने अपने सेटेलाइट्स के जो बैंड चेंज किए हैं तो उनके थ्रू हमें डिश भी वही लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये देख लिया आपने कि डिश में क्या फर्क है, मतलब डिश एंड डिश साइज क्या होना चाहिए। कोई भी डिश है मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6 फीट की, अगर आपने एक दो या तीन सेटेलाइट अगर आपने चलाने हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो वो तो 4 फीट पे भी चल जाएंगे, लेकिन अगर आपने मोस्टली सभी सेटेलाइट का आपको शौक है, आप आए दिन कोई ना कोई चाहते हो कि हम सेटेलाइट बदलें, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो जो है 6 फीट की डिश लें, क्योंकि उस पे जो है मोस्टली 120 सेटेलाइट फाइंड आउट हो जाएंगे और उनके तमाम चैनल जो हैं वो भी चल जाएंगे। तो अगर तो आप नॉर्मल यूज के लिए चाहते हो कि अपने घर में कोई एक दो डिश, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कैसे आप एक डिश पे 3-4 LNB लगा सकते हो, वो भी बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज हमने ये देख लिया कि डिश एंड डिश साइज, डिश क्या होती है और उसका साइज क्या होता है। तो हर सेटेलाइट के लिए साइज मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो मोस्टली है 6 फीट की डिश पे बहुत ज्यादा जो सेटेलाइट्स हैं वो चल जाते हैं, तो जो 4 फीट के उस पर भी चल जाते हैं, 2 फीट की भी पे भी चल जाते हैं, लेकिन 2 फीट पे मखसूस हैं वो जो चलते हैं, 4 फीट पे भी कुछ हैं जो उससे ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन 6 फीट पे काफी ज्यादा मतलब 120 के करीब चल जाती हैं। तो अगर आपको शौक है या आपके पास 6 फीट की डिश है तो तब तो आप इजीली जो है वो सभी सेटेलाइट्स को ठीक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 136 से लेकर 13 डिग्री तक जितने भी इसमें सेटेलाइट्स आते हैं, मैं टोटली जो है वो आपको डिकोड करके उनके चैनल स्क्रैम्बल चैनल जो हैं वो आपको डिकोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले जो भी सेटेलाइट हमने ठीक करना होगा वो हम यहाँ पे उसकी बेसिक सीखा करेंगे, उसके बाद हम छत पे जाके बड़ा इजीली हम मैं आपको दिखाया करूंगा कि डिश हम रखा करेंगे और उसको सेट किया करेंगे और उसके जो है वो चैनल यहाँ पे स्कैन करके तो उनको डिकोड करके मैं आपको दिखाया करूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाद में कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो जिन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे आएं, क्योंकि मैं इसमें जो है बहुत बड़ा एक धमाका करने वाला हूँ। आपको अगर डिश फिटर्स हैं तो उनके लिए भी ये वीडियोस जो है मुझे बहुत फायदेमंद है। अगर आप अपने घर में चला रहे हो, नहीं डिश फिटर्स को पैसे मुफ्त में देते हो, तो आप खुद से भी ये डिशेज जो है वो इजीली ठीक कर सकते हो। तो यही टॉपिक था, अगली वीडियो जो है हमारी LNB और LNB टाइप्स पे होगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो अगले दिन या मैं ये इन पे जो है इनकी जो बेसिक है उनकी वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत सी हम जो है ये टोटली डिशेस की वर्ल्ड जो सेटेलाइट वर्ल्ड है ना, उसमें मैं आपको टोटली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, ये तो कंफर्म है, ये बात नोटिस कर लें कि अगर जो डिशेस के सेटेलाइट्स है ना, ये 120 सेटेलाइट मैं टोटली आपको ठीक करके दिखाऊंगा, और उनके जो स्क्रैम्बल चैनल हैं जिनके आप पैसे देते हो वो मैं आपको फ्री में चलाने सिखाऊंगा सारे सेटेलाइट्स के, तो वो डिकोड करके मैं आपको दिखाया करूंगा, और जिन जिन सेटेलाइट्स पे पावर फ्यूज और बिजली लगती है वो भी हम साथ लेके चलेंगे। तो फिर जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं और ये शेयर करें, मेरे चैनल पे आएं ताकि हम आगे चलेंगे। आज का ये जो कंप्लीट हो गया टॉपिक, कल में ये तो दोनों टॉपिक जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है, ये मैं वैसे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको बेसिक का पता होगा तो अब ही आप सेटेलाइट को ठीक कर सकते हो। बेसिक का नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्ट वहां पे जाके आपको डिश को ठीक करना बताऊं तो वो वैसे मैं तो यहाँ पे कर लिया करूंगा, लेकिन आप अपने घर में करोगे तो तब नहीं होगा, तो तब आप मुझे फिर कमेंट्स में गालियां दोगे। तो इसलिए ये बेसिक वीडियोज हैं, इनको आप जांच लें, और उसके बाद जो है फिर हम सेटेलाइट पे शुरू हो जाएंगे और 120 सेटेलाइट चलाएंगे। तो अभी इजाजत दें मुझे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एशिया में जितने भी सेटेलाइट्स रिसीव होते हैं 120 सेटेलाइट जो है वो हम अपने यहाँ पे चलाएंगे।
छत पे जाके डिश को ठीक करके उनके चैनल डिकोड करके चलाएंगे। तो फिर मुझे दें इजाजत, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।